भाजपा के वरिष्ठ नेता विदिशा के पूर्व विधायक और पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई ने शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने और विदिशा शहर जिले के साथ पूरे प्रदेश और देश भर में चल रहे आंदोलन की जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी। फोन पर हुई चर्चा में उनसे इस मामले का जल्द से जल्द हल निकालने की मांग की। वित्त मंत्री राघव जी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें समस्या का स्थायी और जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जैन समाज को आहत करने का उनका कोई इरादा या उद्देश्य नहीं था। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। शिखर सम्मेलन का जो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी से आपकी चर्चा हुई है झारखंड के मुख्यमंत्री जी से, क्या चर्चा हुई है, क्या है? ऐसा है कि सकल जैन समाज विदिशा और वैश्य महासम्मेलन के आग्रह पर मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आज दोपहर को 2 बजे फोन पर चर्चा की और उनसे ये निवेदन किया कि ये जो समय शिखर का मामला है, इससे पूरा जैन समाज पूरे देश भर में आक्रोशित है, आप इसका शीघ्र निराकरण करें। श्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे आश्वासन दिया कि हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं स्वयं पारसनाथ तीर्थ का बहुत सम्मान करता हूं और मेरी ये कभी मनसा नहीं थी कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, हम शीघ्र ही इसका निराकरण करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।